शाहिद कपूर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में शाहिद ने काफी कुछ देखा, फेस किया और कई सारी चीजें खोई भी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 18 साल पहले शाहिद कपूर के पास आमिर खान के साथ काम करने का मौका था, वो भी उस फिल्म में जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। लेकिन शाहिद ने वो फिल्म ठुकरा दी, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है। इस बात का खुलासा खुद से शाहिद कपूर ने किया है। वो फिल्म साल 2006 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी और इसमें लीड एक्टर आमिर खान थे। आमिर खान के अलावा भी कई अहम किरदार थे जिनके काम को खूब सराहाया गया था। उन किरदारों में से एक रोल शाहिद कपूर को भी दिया गया था, लेकिन एक्टर ने फिल्म ही नहीं की। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें फिल्म रंग दे बसंती ठुकराने का पछतावा आज भी होता है। इस दौरान शाहिद ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी फटाफट से बताते हैं। हाल ही में नेहा धूपिया के टॉक शो के एक एपिसोड में एक्टर शाहिद कपूर भी आए थे। वहां उन्होंने बताया कि उन्हें करण सिंघानिया का रोल ऑफर हुआ था, जिसे बाद में सिद्धार्थ ने प्ले किया था। शाहिद ने बताया था कि उस समय वो किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए फिल्म रंग दे बसंती के करण सिंघानिया के रोल को मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पड़ी थी तो वो रो पड़े थे। उन्हें वो इतनी पसंद आई थी कि बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहा। उन्हें दुख था कि वो अगर समय निकाल लेते तो इस बेहतरीन फिल्म का हिस्सा बन जाते। शाहिद के मना करने के बाद ये रोल सिद्धार्थ के पास गया और उन्होंने रोल के साथ पूरा न्याय किया। लेकिन अगर शाहिद इस फिल्म के लिए हाँ कह देते तो शायद उन्हें आज इतना स्ट्रगल न करना पड़ता। खैर, बाकी शाहिद कपूर की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हुई थी। फिल्म में वो एक रोबोट साइंटिस्ट बने थे, जिसकी शादी एक रोबोट से हो जाती है। कृति सैनन ने उस रोबोट का रोल किया था। उसके अलावा शाहिद देवा नाम की फिल्म के लिए भी शूट कर रहे हैं। फिल्म में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को मलयालम डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज बना रहे हैं। उन्होंने ही दुलकर सलमान के साथ सल्यूट नाम की फिल्म भी बनाई थी। बताया जा रहा है कि देवा इसी फिल्म का हिंदी रीमेक है। हालांकि मेकर्स ने इस खबर को कन्फर्म नहीं किया है। देवा में शाहिद कपूर के साथ पूजा हेगड़े का नाम भी सामने आ रहा है। ये फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को दशहरे के मौके पर सिनेमा घरों में उतरने वाली है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।